आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है साई स्क्वायर तथा आर रेडियल दूरी के बीच ग्राफ नीचे प्रदर्शित है, यह दर्शाता है, किसको दर्शा रहा है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये है हम लोगों का साई स्क्वायर, जो कि किसको व्यक्त करता है कि जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रबलता होगी, जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो कितना होगा। ठीक है, और ये हम लोगों का बताता है रेडियल दूरी, मतलब न्यूक्लियस यानी कि नाभिक से कितनी दूरी पर उपस्थित है। तो देखिए, नाभिक जब भी होता है, अगर हम लोग संरचना बनाए यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक नाभिक है किसी भी परमाणु का। उसके बाद पहला कक्षक आता है, ठीक है, उसके बाद दूसरा कक्षक आता है। तो अब इस तरीके से संरचना बनती जाती है। तो अब हम लोग देखें यहाँ पर, तो संरचना से हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर ये नाभिक है तो नाभिक और पहले कक्षक के बीच में जो दूरी है वो क्या है, जीरो, मतलब जस्ट उसी के बाद स्टार्ट हुआ है। तो पहले कक्षक में आता है कौन, 1s आता है, उसके बाद फिर कौन आता है, तो 2s आता है और 2p आता है। तो 2s आएगा तो उसके बीच में एक 1s का गैप मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल तल। तो ये नोडल तल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब ये अगर नोडल तल हो गया तो ये नोडल तल के बाद कौन आएगा, 2s आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो अब हमारे पास विकल्पों में देखिए क्या दिया गया है। पहला दिया गया है 1s। तो अगर हम लोगों के पास 1s को बस प्रदर्शित करना होता तो हम लोग ग्राफ कैसा बना देते, हम लोग जो ग्राफ है साई स्क्वायर के लिए ऐसा बना देते, है ना, कि ये साई स्क्वायर है और ये r है। अगर हम लोगों को किसके लिए बनाना हो, 3s के लिए, मतलब जो ये दूसरा विकल्प है 3s, तो इसके लिए हम लोग ग्राफ कैसा प्रदर्शित कर देंगे, तो इसके लिए हम लोग ग्राफ प्रदर्शित कर देंगे कुछ इस तरीके से कि इसमें दो नोडल तल बन जाए, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर इसके बाद धीरे धीरे क्षमता कम होती जाती है, है ना। तो ये दो नोडल तल आ जाएंगे, तो ये 3s को प्रदर्शित करेगा। फिर बोला गया है कि 2p तीसरे विकल्प में, तो 2p अगर होता तो 2p में देखिए घनत्व जो है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व उतना ज्यादा नहीं होगा जितना 1s में, क्योंकि 1s सबसे न्यूक्लियस के पास में होता है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से चालू होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2p को प्रदर्शित करता है। अब उसके बाद चौथा जो विकल्प है हम लोगों के पास 2s, तो ये बिल्कुल 2s को ही प्रदर्शित कर रहा है, इसी वजह से हम लोग उत्तर क्या चुन लेंगे, उत्तर चुन लेंगे चौथे विकल्प को। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।